देखो फुर्सत कहाँ है, हर एक मिनट में तो कोई ना कोई तरंग आ रही, फिर इसकी पड़ गई आदत, तो आदत पड़ गई तो क्या है कि चित्त में ही ये सब 108 धंधे चलते रहते, कोई ना हो तो भी तुम पैदा करते रहते हो, वो आदत पड़ गई, फोबिया सा हो गया इस तरह, हाँ ऐसी स्थिति हो जाती। अब अपना अकेला नाम मिटा दो, बिना नाम संन्यास पहले हम लेते थे तो संन्यास में पहला काम करते थे तो दो ही चीजें मिटाती थी जो अड़चन डालती, एक रूप और एक नाम। एक तो तुम्हें कपड़े दूसरे पहना देते थे, गेरुआ रंग के कपड़े पहन लगा दी, पेंट शर्ट उतार दो तो बाबू जी नहीं रहोगे, अब जो हम बाबू जी की पहचान तो गई, पेंट शर्ट पहनोगे बाबू जी हो जाओ, तो बाबू जी की पहचान खत्म, तो क्या हुआ, साहब कहो बाबू जी कहो जो भी कहो वो पहचान खत्म हो गई। फिर उनने कपड़े पहना दिए बढ़िया, तो हम सन्यासी हो गए। अब वहाँ अलर्ट रहना है तो मुश्किल से तो बाबूजी से फ्री हूँ मुझे, अब फिर क्या हो गया कि हम सन्यासी फिर फंस हो गई। कम से कम ये सन्यास होते ही इसलिए है कि आज से हम पुराने से हिप्नोटाइज नहीं होंगे, वो नए से भी नहीं होंगे, तो फिर तुम्हारा नाम बदल देते, तो तुम्हारा रामानंद नाम है तो श्यामानंद रख देते, कि आज से तुम श्यामानंद हो गए, अब रामानंद भूल जाओ बिल्कुल। लेकिन अब रामानंद तो क्या है कि वे 100 लोगों ने रखा है, वे उन्हें मार मूर कर रखा है जब तुम कॉन्शियस भी नहीं थे, लेकिन अब ये जो दूसरा नाम है ये तो तुम्हारी जागृति में रखा गया है, अब इसके प्रति तो तुम जागृत रह सकते हो कि इस नाम के पहले भी तुम हो, ये तो पता रह सकता, इस नाम के पहले भी तुम्हारा अस्तित्व है, तो फिर इस नाम में प्रेम मानो, काम चलाओ, हमेशा काम चलाओ। लेकिन लोग 4 दिन में संन्यास के नाम से भी हिप्नोटाइज हो जाते, कोई उस नाम से गाली दे रहा हो किसी और के लिए तो तुम पलट के तो देखे ही लोगे, यार जी क्या बोल रहा है यार, पलट के तो देखे ही लोगे आप, वो हिप्नोटिंग जो है जो आदत है हमारी, नाम के साथ रूप के साथ हम हिप्नोटाइज होते, पहले हो गए वो तो ठीक कोई बात नहीं, जिंदगी जैसी जैसी संन्यास का कागज खींचकर अब तुम हुए सन्यासी। तो सन्यासी का मतलब ये है कि जरा पुराने को तो दस्तावेज बंद कर दिए और नए पे जागृति रख ली, नए को इतने गौर से चलने फिरने में उठने में बैठने, आपको हिप्नोटाइज नहीं होना, लोग आपको जो कहेंगे वो काम चलाओ मानना, हिप्नोटाइज नहीं होना, तो सन्यास का अर्थ सही। और धीरे धीरे करते 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 हम सन्यास को भी उसी में डाल देते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर आपने सन्यास लिया कि नहीं लिया तो दोनों बातें एक सी हो जाती, नाम और रूप दोनों के प्रति अगर किसी व्यक्ति की जागृति बहुत ज़्यादा बन जाए, जागृति बनाना इन दो तत्वों को नाम और रूप, क्योंकि तुम नाम के साथ पैदा नहीं हुए हो तो पक्की बात, नाम बाद में आया तो उसे बाद में ही रहने दो, तुम उसके पहले रहो, जो तुम पहले थे तो तुम उसके पहले बने रहे, अगर तुम नाम के पहले बने रहे तो ये खेल हो जाएगा सब। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, तो आपको सुने मामले कैरेक्टर दिया गया, कोई कैरेक्टर मूली काटने का सकते चॉपिंग कर रहे हो, उसका एक कैरेक्टर है, कोई नहीं बोला आपको ले करो मूली चॉपिंग का काम कर रहा है, तो वहाँ तो वो लोग उसी नाम से आपको बुलाएंगे, जो भी नाम आप पर रखेगा चौपर बोलेगा बोलेंगे, लेकिन आप तो जानोगे कि वो नहीं हो, आप जानोगे तो फिल्म में देखने वाले भी देखेंगे, डायरेक्टर भी कहेगा, सब कोई कहेगा, लेकिन आपको पता है कि मैं वो नहीं, ये काम चला हुआ कर, ये चौपिंग का मुझे काम मिला है बस, अब ये पत्नी होने का भी काम मिला है, बस काम मिला, डायरेक्टर की तरह जिए, एक्टर मत हो, तो कैरेक्टर को कैरेक्टर मान लीजिए, अब क्या हो जाता, कैरेक्टर एक्टर हो जाता,
कैरेक्टर को ही एक्टर मानने लगता है, एक्टर एक्टिंग को एक्टिंग को एक्टिंग ना मान के एक्टर बुझ जाता, वहाँ गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल उसको भूल जाता। तो अब आप ऐसे तो आप जो पत्नी नहीं थी जब भी तो थी ना, तो बोझ ही नहीं था पत्नी, तो उधर चले जाओ पीछे, जब भी कोई ऐसा घटना आए उसके पीछे खड़े हो, वहाँ से देखो। नहीं बाबा, जैसे मेरे यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं तो नो नो करने में मतलब मैं कंफ्यूज आते हैं, क्या आते हैं? मैं बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं मेरे यहाँ, थोड़ा सा अंदर वगैरह इतना कर नहीं पाती हूँ मैं, तो गेस्ट ज़्यादा आते हैं। हाँ, सो लगी पर सो क्या बात कर रहे हो, जिसके घर में लोग नहीं आते वो भूतों का घर है, उसमें भूत प्रेत का वास होता है, आपको पता नहीं। और जिसके घर में लोग आते हो वो बड़ा समृद्ध आदमी, आप में कुछ होगा यार, जब ही तो आते समझो यार, ऐसा क्या है, लोग आपके घर आते वही सब बातें भी घर की नेगेटिव वही सब चीजें करते रहते हैं। वो तो देखो काम तो चलेगा ऐसे, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आपके घर में होगा, इससे तो स्वभाव नो नहीं करना चाहिए, कोई किसी के घर में ऐसे थोड़ी आ जाता, तो मतलब होता तो वही आता, बहुत अच्छी बात है। जिसके घर में मेहमान नहीं आते उसमें भूतों का वास होता, आपको पता नहीं है, नेगेटिव नहीं होते वो, नेगेटिविटी नहीं डाल के जाते वो, आपके यहाँ की नेगेटिविटी लेकर जाते जो जिसके घर जाता है वो कुछ। अब ऋण तो हुआ ना, पानी तो पियोगे, खाना तो खाओगे, बैठोगे तो सही उसके सोफे, तो हिसाब तो बराबर होगा। तो क्या होता है, ये सच कह रहा हूँ कि आप किसी के घर में जाते हैं तो उसका लेकिन आप उसमें कुछ छोड़ कर नहीं आते, आप लेके आते। तो अगर ये लोग नहीं आए होते, इतने लोग जो आ रहे हैं नेगेटिव जितने आते हैं, तो आपकी हालत तो खराब जो अच्छे हो उसका कारण है कि बहुत लोग आपका हिसाब ले जाते हैं, तो सच में ले जाते हैं। आप इस सूत्र को समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये परम सूत्र कह रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम्हारे घर की गलत ऊर्जा ठीक हो जाती है, और जिसके घर में कोई आता नहीं है उसके घर की ऊर्जा इतनी खराब होती है। आपने देखा होगा कि जिस घर में कोई ना रहता हो उस घर में आप गुस्सा आ रहा कैसा लगेगा आपको, इस घर में कोई 10 साल से ना रहा हो, चलो नौकरों ने सफाई कर ली, फिर उस घर में जाकर बैठो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शमशान में आ गए, लगेगा क्या? फिर कोई अकेले पति पत्नी सूर की तरह रहते हो एक घर में, ऐसे लोग पति पत्नी जो किसी को नहीं चाहती, क्या है तू सब उसके लिए था, ऐसे लोग जो अपने के अलावा किसी के बारे में सोचते ही ना, ऐसे लोग घर में दो ही जने नरक में जिएंगे, दो ही आपस में लड़ेंगे और नरक में जिएंगे, तो वो लड़ने कहाँ जाओ, नेगेटिविटी जाए कहाँ, एक दूसरे को खाओ, कोई आ तो रहा नहीं है कि बैलेंस कर जाए। और अगर तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं बहुत मज़ेदार काम होता है, धीरे धीरे वो सफाई मिला, तुम बड़े मजे में रहो, हम तो इसी चक्कर में मजे में रहते, पकड़ लाते सड़क बड़ा मजा, घर वाले बड़े खुश हैं सर, किसी को भी 12 बजे तो कोई हमारे घर आ गया तो हम कहते क्यों आए, अगर रोटी नहीं खा रहे क्यों आए, तुम्हें आना नहीं चाहिए ना, कायदा नहीं है ये, 12 और 1 के बीच में आप किसी के घर जाओगे तो ऐसे थोड़ी आ सकते हो, भूखे आना चाहिए, आज से ख्याल रखना, खाली पेट आना चाहिए हमारे,
अब देखो इतना सुंदर सा है सब काम, घर में बड़ी खुशियां है, क्योंकि किसी को पता नहीं है जो विद्या, सच कह रहा हूं ना, जो विद्या आपके दाना खा के जो आदमी जाता है, आपका संस्कार ले जाता है, आपके पाप कटते हैं, आपको पता नहीं कि दान पुण्य का रिवाज ऐसे थोड़ी चला, ऐसे नहीं चला, वो आपका कुछ उसमें चला जाता है। तो हमारी पत्नी ने आज 50,000 में भोजन क्यों करा सब सिखा दिया उसे, तो जितना दान पुण्य करा कर अच्छे से करा कर, खिलाने के मामले में तो तेरा मजे करा, चिंता मत कर तू पैसे तेरा दिलो 100 आदमियों को खिलाने का बिल्कुल मैं राजी, अभी जाकर 150-200 आदमियों का भोजन लाइ, 150-200 आदमियों का कार्यक्रम लिया रहता है। तो मतलब मुझे तो विज्ञान समझ में आता, मैं उसे फुजला लेता तो औरतें क्या है थोड़ी मुसीबत पैदा करती लेकिन मैंने उसे विज्ञान समझा दिया कि तू विज्ञान नहीं समझ रही, तेरा घटने वाला नहीं, खाने से किसी के घर में आने से, खाने से कभी आपके घर का कुछ घटता नहीं है, और ना आपके घर में कोई गलत ऊर्जा रहती है। इसलिए मित्रों मेहमानों को बुलाते रहो मेहमानों को, तो कारण डाल के वो आप तो सौभाग्यशाली हो नौकर के डर के मारे फोन भी नहीं उठाते फोन से दूर हो जाओ बस आप सुकुड़ रहे, इसलिए आप दुखी भी, आपको पता नहीं है जो आदमी दूसरों से मिलने में कतराता हो वो आदमी अपने से मिलने में भी कतरा है, दूसरा दूसरा नहीं है, परमात्मा ही है सब जगह, आपको पता नहीं, परमात्मा दस्तक देता है आपके घर में रूप बदल, आपने वो उनका किस्सा सुना होगा सत्य साई महाराज को कई निमंत्रण दिया है उनके लिए, तो वे नहीं गए और एक कोई फटे चीतरे बिछरे वाला आदमी गया, उसने डंडे वंडे मालू भगा दिया उससे, तो पूछा महाराज आप आए नहीं, फिर मैं आया तो था यार लेकिन तुमने बहुत बुरी तरह मारा तो भाई अब मैं ख्याल रखूंगा महाराज की आप पधारना, आप दूसरे दिन कुत्ता बन कर तो कुत्ता दरवाजे पे मार रहा ठोकर जोर जोर से और खाने पे टूट रहा, फिर डंडा उठाया फिर कुत्ते को डंडे मारे, फिर वो आया कि दिन भर इंतजार किया महाराज आपका, आप आए नहीं, कि मैं आया तो था आज फिर मारा था मुझे तो कहने का मतलब ये है कि आपके द्वार पे अतिथि बन के जो आता है वेश बदल कर परमात्मा आता है, परमात्मा का कोई रूप तो है, सीधा तो कोई रूप है, वो तो किसी रूप के माध्यम से ही आता है, पति तो सबसे ज्यादा परमात्मा बिल्कुल उससे कम नहीं मानते, आपके पति को आपने पति को अच्छे से डील लिखी है, धन से डील करोगे तो मान जाए, अब ये चीजें क्या होती है, हमें कोई काम करना है तो दूसरे को फुसलाना पड़ता है, फुसलाने का काम आप नहीं कर पाते, कला नहीं आ, थोड़ा सा और प्रेम से थोड़ा फुसला हुआ तो काम हो जाता है। हम तो जो हमारे सब मित्रों को यही सिखाते हैं कि मेहमान बुलाते रहो, आदि साधना तो इससे ही हो जाएगी। स्वामी जी जो विचार रूपी मेहमान आते हैं उनका क्या करते हो, उनका भी स्वागत कर, उनसे क्यों लड़ते हो, क्या होता है कि ना तो स्थूल को डाइजेशन करने की पावर है हमारे पास, सूक्ष्म इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम तक आती है तो वो तुम से ही गई, अगर तुम्हारे अंदर विचार आ रहा है तो वो विचार जब तुमसे निकलता है जब तो तुम्हें पता नहीं लगता, जब उसका साइकिल बदल कर तुम तक आता है जब पता लगता है, तुमसे सतत विचार रिलीज हो रहा है और वही घूम कर तुम तक आ रहा है, तो तुम्हारा ही किया कराया है सब, तुम्हारे ही मेहमान,
और नियम ये कहता है कि जो चीज जिस सेंटर से निकली है उसी सेंटर पर ले रही, तुम क्या करते हो दोबारा फेंक देते हो। अच्छा दोबारा फेंक देते हो तो बड़ा मजा कर करा के वो फिर लौट के आ जाता। जब तक इस मेहमान को पचाने न लगोगे तब तक इससे मुक्ति हो नहीं सकती। तो मित्रों क्या करो, डाइजेशन पावर बढ़ाओ। बहुत अच्छा। तुम्हारे अंदर जब तक नाम रहेगा कि ये नेगेटिव है, उनकी नेगेटिव, इस जगत में जो कुछ भी तुम्हारी तरफ आ रहा है ये पक्का मानना तुम्हारा ही बोया हुआ है। तुम जब बोते हो तो बीज की तरह होता है, आता है तो वृक्ष की तरह आता है। तो जब बीज की तरह बोते तो पता ही नहीं लगता कब बो दिया, और लौटता है वो तो वृक्ष बन के आता है। देखो एक प्रकृति का एक नियम है कि इसमें कुछ भी डालो 10 गुना तो कम से कम होता ही लौटने में। प्रेम डालोगे 10 गुना होते लौटे। अच्छा एक बात करें आपसे, सब आदमों के सामने मुस्कुराओ, बहुत प्यार से मुस्कुराओ। 25 में से 10 तो मुस्कुराएंगे आपको देख, मुस्कुराएंगे कभी, पक्की बात है। तो आपकी मुस्कुराहट कितनी गुनी होगी, 10 गुनी होगी। और फिर आप जरा उल्टा सीधा मुंह बनाओ तो जे सारे लोग जो है ना, ये कई गुना होगा वो भी लौटेगा, आएगा कहीं। तो बोया किसका है, हमारा इन्वेस्टमेंट है पूरा। अब जब हमारा ही इन्वेस्टमेंट है, जितने कर लो कि कोई दोषी नहीं है दुनिया में, जो भी हम पे गुजर रही है वो हमारी करामात है, हमने कोई करामात की है वही लौट के आ रही है, भूल से चूक से ऐसे वैसे जैसे। अब तुम बिल्कुल जितने कर लो कि सब मामला अपना ही है, बिजाती नहीं, ये पछता क्यों नहीं है कि तुम उसे बिजाती मानते, सजाती सब चीजें पच जाती। बिजाती अगर मानोगे तो वो तो फिर फेंकोगे तो और बड़ा होकर लौटने वाला। तो यहाँ लोगों को देने के लिए प्रेम और खुद को खाने के लिए गाली, खुद को खाने को गाली और लोगों को देने को प्रेम। तो देखो गाली खाते खाते गालियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तुम बो नहीं रहे उनको, हजम कर रहे हो और प्रेम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप देखो चारों तरफ से प्रेम उमड़ेगा। प्रेम जो आदमी देता है उसका रिफ्लेक्शन उस पर जो लौटता है। अब आप किसी को प्रेम देते नहीं और मांगते हो, मजा देखो। हर आदमी इतना भिकमंगा है कि प्रेम मांगने में लगा है कि यार प्रेम कहीं से मिल जाए। अब तुम जिससे मांग रहे हो उसकी हालत भी कोई, तो कम से कम ये खेल सुधारो, पहले देना सीखो। और जैसे ही जो आदमी देता है उसे अपने आप मिलता है, क्योंकि ये जगत का नियम है तो वो कई गुना करके वापस मिलता है। ये एक परम सूत्र समझना कि इस जगत में हम जो भी डालते, ये जगत एक गर्भगृह है परमात्मा, ये सब परमात्मा के गर्भगृह हैं। हम जितने भी हैं इस गर्भ में जो भी डालोगे आप, इनके गर्भ में डाल दो, इनके में डाल दो, इनके में, वो 10 गुना करके लौटाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी का पचाता नहीं है। पचाता क्यों नहीं है कि यहाँ परमात्मा ने सबको पूर्ण बनाया, पता नहीं है तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम पचाओगे ही नहीं। अगर तुम कोई चीज डालोगे तो तुम पे लौटेगी। जब चीजें आती जाती हैं, लौटती हैं, इधर से उधर जाती हैं, उधर से, और वो सौंदर्य बनता है तब समाज निर्मित होता है, दुनिया निर्मित होती है और दुनिया आनंदपूर्ण हो जाती है। तो एक सूत्र पकड़ लो, जिंदगी जीने के लिए थोड़े से सूत्रों की जरूरत है, उसमें से एक परम सूत्र है कि जो डालोगे वो लौटेगा। ऐसी भावना मत करना कि हम प्रेम डाल रहे हैं तो प्रेम लौटे, हम ये कर नहीं दे रहे हैं किसी के लिए 10 पैसा लौटे, ऐसी भावना से नहीं, वो वाला मामला नहीं। हम साहब एक दिन भोजन करा रहे।